बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब अपने जुमान में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चने अंडे का सालन, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसे बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो ये है। चने मैंने लिए थे 500 ग्राम। इसको मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको मैंने बॉयल कर लिया था। मीठा सोडा आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच शामिल करके मैंने चनों को बॉईल कर लिया था। अंडे मैंने लिए हैं 6 अदद। अंडों को भी मैंने बॉईल कर लिया है। मसालों में जो मैंने लिए, काली मिर्चें लिए 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, अचार गोश्त मसाला लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है। हल्दी लिए मैंने 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई मिर्चें लिए मैंने आधा खाने का चम्मच, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था 2 खाने के चम्मच है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च छोटी वाली पीसी हुई। प्याज ली है मैंने 2 दरमियानी साइज़ की, चॉप कर लिया है। दही लिया है मैंने 250 ग्राम। और हरे मसालों में मैंने हरा धनिया आधी गड्डी लिए मैंने, और हरी मिर्चें लिए 8 अदद, और मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, इसको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है। और मैंने तेल लिया है 1/2 कप, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे तेल में। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। जैसे ही लाइट ब्राउन प्याज होगी तो इसमें साबुत गरम मसाले जो मैंने बताए हैं आपको, 3 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4 और काली मिर्चें, ये हम शामिल कर देंगे जैसे लाइट ब्राउन हमारी प्याज होगी। तो साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने छोटी इलायची लिए 4 अदद, बड़ी इलायची लिए 3 अदद और काली मिर्चें लिए। आप इसमें बादियन के भी फूल शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे ही इसमें से खुशबू आएगी, अब मैं लहसुन अदरक भी शामिल कर दूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक और हरी मिर्च दोनों मैंने ली थी 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 1 कप पानी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी शामिल करके इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये तेल अलग हो जाएगा और लहसुन अदरक जो होगा उसका, जो लहसुन अदरक का मसाला है वो अलग हो जाएगा। ये देखें तेल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हल्दी शामिल करेंगे, अचार गोश्त मसाला, कुटी हुई मिर्चें, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला अभी हम शामिल नहीं करेंगे। अब ये मसाले शामिल करके इसको अच्छे से हम भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। ये देखें तेल ऊपर आ गया। अब दही शामिल कर देंगे हम। दही शामिल करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे दही की, ये दही अच्छे से भून जाए। दरमियानी आंच पर हमें करनी है भुनाई। मसाला अच्छे से भून चुका है, दही अच्छे से भून लिया है मैंने। ये देखें दही और मसाला अलग अलग हो गया है। और तेल हम ऊपर से थोड़ा सा उतार लेंगे। तेल मैंने थोड़ा सा ऊपर से उतार लिया है। अब इसमें हम चने शामिल कर देंगे मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चने शामिल करने के बाद पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे, चौक अदरक भी शामिल कर देंगे। ये देखें मसाले में हमने छोले शामिल कर दिए हैं। और छोलों में 1 कप या 1/2 कप पानी पहले ही था, पानी इसमें हम शामिल नहीं कर रहे। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे छोलों को। अब जो तेल मैंने उतारा था वो ऊपर से शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे छोलों को, फिर छोले हमारे तैयार हैं। अंडे भी शामिल कर देंगे।
5 मिनट के लिए आप दम पे लगा देंगे हम मसालों को। 5 से 10 मिनट हो चुके थे, अब इसको हम हटाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए मज़ेदार सा लाहौरी चने अंडे का सालन तैयार है। इसको नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।